अब बच्चों को पढ़ाना हुआ बहुत ही आसान, खेल खेल में बदलो दुनिया। जी हाँ, कैसे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का, जिससे वो बोर भी नहीं होंगे और उन्हें लगेगा जैसे वो पढ़े नहीं है, सिर्फ अभी तो उन्होंने सिर्फ गेम खेला है, अभी तो वो सिर्फ खेले हैं। तो जी हाँ, मैं रानू आपके अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि बच्चों को इजी वे में कैसे हम सिखा सकते हैं, खेल खेल में कैसे पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आसान है, कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आप कहेंगे कि कैसे क्या करना है, सिंपल सा फंडा है बच्चों को पढ़ाने का। अगर आप अच्छे से कहेंगे चलो बुक उठाओ, पेंसिल उठाओ, रेजर उठाओ और चलो ट्रेसिंग करना सीखो या फिर कोई भी शेप बनाना सीखो, बच्चा बुक और पेंसिल देखते ही बोर हो जाएगा और भागने लगेगा, जी चुराने लगेगा, मन बिगाड़ने लगेगा, कहेगा अभी उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसे पता है कि इससे उसे पढ़ना होता है। तो हमें पेंसिल बुक्स नहीं उठानी है इस टाइम, जब हमें बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना है तो हमें पेंसिल बुक्स नहीं उठानी है। हमें क्या करना है, लेना है चौक। चौक तो जीवी सबके पास मिल जाएगा, शॉप से लेकर आ जाइए चौक। चौक से बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे, चौक से बिल्कुल मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप चेक करके देखना चौक बच्चे कितने इंटरेस्टिंग तरीके से चलाते हैं। मैंने अपने बेटे को सबसे पहले चौक, पेंसिल से पहले चौक पकड़ाया था उसके हाथ में। जी हाँ, तो आप देंगे बच्चे को चौक और कहेंगे चलो खेलने चलते हैं टेरेस पर, छत पर ले जाएंगे उसे खेलने। और खेल खेल में उसके साथ दो चौक, एक चौक आप लेंगे, एक उसे देंगे, कहेंगे चलो ड्रॉ द सर्कल। बच्चा आपके साथ सर्कल बनाएगा, गोल गोल, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो इस टाइप से वो भी राउंड एंड राउंड एंड राउंड सॉन्ग गा के इजी वे में सर्कल। तो इस टाइप से आप उसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सारी शेप्स उसे आइडेंटिफाई करना भी सिखा सकते हैं। इससे वो मतलब उन्हें पहचानना भी सीखेगा और ड्रॉ करना भी सीख जाएगा। उसका हाथ पेन से इतने आसानी से नहीं चलेगी पेंसिल से, जितना चौक से उसे आसान हो जाएगा। तो उससे पेंसिल की ग्रिप पकड़ना उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उससे पहले आप उसको चौक इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर कलर भी, जो बच्चों वाले कलर आते हैं वो कलर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम किचन में खाना बना रहे हैं। अब बच्चे आ गए हमारे पास, घर में कोई और है नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसे मोबाइल दे देंगे निकाल कर कि बेटा अभी तुम कार्टून देख लो, क्योंकि मुझे बनाना है बहुत सारा खाना, मुझे बहुत काम करना है और मैं अभी आपके साथ नहीं खेल सकती, अभी आप कार्टून देख लीजिए, मैं कर ले रही हूँ काम। जी नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको उसको अपने साथ किचन के स्लैब पर बिठा लेना है और आपको अपने आटे की गोल गोल गोलियां बनाकर उसको दे देनी है। आप चाहे वो उससे कोई भी शेप बनाए, चाहे उससे कुछ भी, हाथी, घोड़ा, बंदर बनाए, कुछ भी बनाए, उसकी मर्जी है। उससे कहो चलो आप इससे खेलो, इससे मम्मा को बना के दिखाओ, मंकी बनाओ, ये बनाओ, वो जो भी वो चाहे अपने हिसाब से बना सकता है, अपनी मूछें बना के लगा सकता है, कुछ भी बना सकता है वो, तो टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। और आप बहुत सारी जो छोटी छोटी उसको गोलियां बनाकर दे देंगे तो आप उसे बिग और स्मॉल डिफरेंसेस बता सकते हैं कि ये स्मॉल है, ये बिग है, ये टॉल है, ये थिन है, ये शॉर्ट है, ये फैट है, ये थिन है, सारी चीजें मतलब सारे कॉन्सेप्ट आप उसके क्लियर करा सकते हैं। बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, ये सारे कॉन्सेप्ट आप उसे क्लियर करा सकते हैं इजी वे में। मतलब आपका काम होता जा रहा है और बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करता जा रहा है, तो कितना आसान है ना। नेक्स्ट हम किचन में ही और क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, दो कॉन्सेप्ट हमने किचन में क्लियर कर लिए। एक तो वो शेप अपने आप से ड्रॉ बनाना सीखेगा, इमेजिन करेगा कि इससे वो क्या बना सकता है, क्या क्या कर सकता है, दूसरा वो शेप। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज आप उसको दे देंगे एक कटोरी में कोई बड़े वाले दाने, जैसे कि चना, राजमा, इस टाइप के दाने आप उसको दे दीजिए एक कटोरी में। और आप उसको बोलिए कि दूसरी कटोरी दीजिए, आप उसको दो कटोरी दीजिए, एक कटोरी में दाने दे दीजिए और उससे बोलिए बाबू बेटा इसको आपको काउंट कर करके इसमें रखना है। तो इससे वो काउंटिंग भी सीख जाएगा, वो सारे चने काउंट कर करके, काउंट कर करके 1 2 3 4 दूसरी कटोरी में रखेगा, फिर उसमें रखेगा, फिर उसमें, इससे आपका खाना तब तक पूरा बन चुका होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच्चा भी कुछ नया सीखेगा, स्क्रीन टाइम से दूर रहेगा, तो आपको बहुत इजी होने वाला है ये।
नेक्स्ट इसी में आप और कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप अभी तो आपने सिर्फ एक तरह के दाने दिए थे, उसने काउंटिंग सीखी थी, इसी में आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप ये पोर्शन भी उसे सिखा सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें आपको राजमा, चना और छोले, मतलब और भी जो बड़े बड़े दाने वाली चीजें होती है, वो मिक्स करके आप एक कटोरी में उसे दे दीजिए और आप बोलिए, दो तीन कटोरी दे दीजिए उसे, आप उसे बोलिए बेटा इसमें आपको सबको अलग अलग डालना है, राजमे वाली कटोरी में राजमा डालना है, चने वाली कटोरी में चना डालना है और छोले वाली कटोरी में छोला, सबको अलग अलग करना है आपको। तो बच्चा पूरे टाइम आराम से उसको एंजॉय करेगा और बहुत, मतलब इससे उसकी बहुत ही स्किल डेवलप होंगी, इससे मतलब उसे देखना है कि मतलब बिल्कुल बाकायदा कि उसे कौन सी कटोरी में क्या चीज डालनी है, राजमा इसमें डालना है, अरे इसमें ना पड़ जाए, चने इसमें डालना है, छोला इसमें डालना है, तो बिल्कुल वो ध्यान से उसमें लगा रहेगा, आपका सारा काम हो जाएगा, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बच्चे सेप सीख जाएंगे, डिफरेंस सीख जाएंगे, सम सब्ट्रैक्ट सीख जाएंगे, काउंटिंग सीख जाएंगे और आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएंगे। तो बहुत सारी चीज बच्चे किचन में बैठे बैठे सीख जाएंगे जब आप खाना बना रहे होंगे तब। तो इस टाइप से आप बच्चों का पूरा जो स्क्रीन टाइम है उसको भी हटा सकते हैं और दूसरा अपना जो काम का टाइम है उस टाइम में बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं खेल खेल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खेल खेल में सिखा तो रही हूँ मगर मैं किचन का सामान बहुत वेस्ट करवा रही हूँ, यार इसमें सामान क्या वेस्ट होगा, आप खुद सोचिए, आप शेप सिखाने के लिए बच्चों को या शेप ड्रॉ करने के लिए आप क्ले लेकर आते हैं मार्केट से, 250-300 से कम का कोई क्ले मिलते ही नहीं है, तो आप क्ले लेके आएंगे उनसे बच्चे सीखेंगे, इससे अच्छा यार आपके पास आटा है तो आप उसी से सिखा दीजिए ना उसको, तो वो आटे से सीख लेगा। नेक्स्ट जो दाल वगैरह आप उसे देंगे तो वो वेस्ट कहाँ होने वाली है, वो तो दोबारा आप रख लीजिए, नेक्स्ट डे फिर से उनको उन्हीं दाल को उसको दे दीजिए, उन्हीं से वो फिर से खेल लेगा और धुल के यूज में ले लीजिए खाने के बनाने के, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है यहाँ खेल खेल में, बच्चों बहुत कुछ सीखना है। अब इसके बाद अगर आप बच्चे को शाम को दोबारा से कहेंगे बाबू अब आप बुक लेकर आओ हम आपको कुछ पढ़ाते हैं, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक बार पढ़ चुका है, मम्मा मुझे दोबारा पढ़ाने के लिए बुला रही है, उसे ऐसा लगेगा सुबह तो वो पढ़ा ही नहीं है आज, खेला ही है सुबह से, चलिए एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो जी हाँ, तो ये बहुत ही इजी खेल खेल में बदलो दुनिया वाले टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे, यूजफुल लगे होंगे, यूजफुल लगे तो आप ट्राई करके देखना और फिर आके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये कैसे लगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए हो तो थम्स अप दे दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।